नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। देश भर में लगातार वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब तक करीब 6000 पहुंच गई है। अब तक करीब 169 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। जिले 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन से बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के चलते कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंच सके और जहां जा रहे थे वहीं फंसे रह गए हैं। ऐसा ही मामला तेलंगाना में सामने आया है, जहां एक मां लॉकडाउन के दौरान करीब 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने बेटे को दूसरे राज्य से वापस घर लेकर आई। ये तस्वीर में जो आप महिला और लड़के को देख रहे हैं, वो दोनों माँ बेटे हैं। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधा टाउन की रहने वाली रजिया बेगम आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में रहमताबाद में फंसे अपने बेटे को वापस लाने के लिए 700 किलोमीटर दूर गई और फिर अपने बेटे को घर वापस लेकर आई हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और हर कोई रजिया के हौसले को सलाम कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।